लवली बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। बच्चों, आज हम लोग अपने भीम बैच के अंतर्गत फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट में एक नए टॉपिक में बात करेंगे। हमारा टॉपिक होगा C4 साइकिल। डार्क रिएक्शन के अंतर्गत तो आज हम लोग बात करने वाले हैं C4 साइकिल की। इससे पहले हम लोगों ने बात की थी C3 साइकिल की, केल्विन साइकिल की, या यूं कहें कि मुख्य रूप से जो डाइकॉट प्लांट होते हैं उनमें कार्बन के स्थिरीकरण की, कार्बन के फिक्सन की। आज हम लोग एक और तरीका पढ़ेंगे कार्बन के स्थिरीकरण का। डार्क रिएक्शन में कुछ पौधों में अलग प्रकार से कार्बन का स्थिरीकरण पाया जाता है। तो चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक की। तो बच्चों, हम लोग बात करेंगे आज C4 पाथवे अथवा हैच एंड स्लेक पाथवे की। सबसे पहली बात की क्या है, फोटोसिंथेसिस में डार्क रिएक्शन के अंतर्गत कार्बन के स्थिरीकरण का एक प्रकार है। चूंकि इस प्रकार के कार्बन स्थिरीकरण में कार्बन के फिक्स होने के बाद फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, प्रथम स्थायी उत्पाद ऑक्सेलो एसिटिक एसिड बनता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, C4 साइकिल। क्योंकि जो ऑक्सेलो एसिटिक एसिड है वो एक 4 कार्बन कंपाउंड है, तो इस ऑक्सेलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड के बनने के कारण इस प्रकार के पौधों को हम C4 प्लांट कहते हैं। इस प्रकार के कार्बन स्थिरीकरण की खोज सबसे पहले एमडी हैच और सीआर स्लेक ने की थी, इसलिए बेटा हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हैच एंड स्लेक पाथवे ऑफ कार्बन फिक्सन। तो ये तो बात हमारी हो गई कि इसे हम C4 साइकिल या C4 पाथवे या हैच और स्लेक साइकिल क्यों कहते हैं। अब बात नंबर 2 आती है। बात नंबर 2 क्या आती है कि इस प्रकार का कार्बन स्थिरीकरण किन पौधों में पाया जाता है। इस प्रकार का कार्बन स्थिरीकरण मुख्य रूप से ऐसे पौधों में पाया जाता है जो ट्रॉपिकल ड्राई रीजन में पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट दैट आर एडॉप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिकल रीजन हैव द C4 पाथवे। ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाने वाले पौधों में इस प्रकार का कार्बन स्थिरीकरण पाया जाता है। अब वो कौन से पौधे हैं, कुछ एग्जाम्पल होंगे इसमें, तो वो एग्जाम्पल है बेटा सुगर केन, मेस, स्वार्घम और एमरेंथस। देखिए यहां पर सुगर केन सभी बच्चे जानते हैं कि गन्ना होता है, मेस मक्का होता है और स्वार्घम बेटा ज्वार होता है। अमरेंथस को अमरेंथस ही कहते हैं। एक बात यहां पर खास ध्यान देंगे कि गन्ना, मक्का और ज्वार ये एक बीज पत्री है। ये सभी के सभी एक बीज पत्री है, जबकि अमरेंथस इसमें डाइकॉट है, ये ऊपर वाले तीनों मोनोकॉट है। इस तरीके से ये मोनोकॉट प्लांट है।
ज्यादातर मोनोकॉर प्लांट्स में इसी प्रकार से कार्बन का स्थिरीकरण होता है। अगली बात अगर हम करें तो इस प्रकार के पौधों में कार्बन का स्थिरीकरण जो होता है वो दो बार में होता है। इन दिस प्लांट डबल फिक्सन ऑफ CO2 ऑकर्स। आगे हम पढ़ेंगे कि कार्बन का स्थिरीकरण किस प्रकार से दो प्रकार का होता है। अभी केवल ये बताया जा रहा है कि इस प्रकार के पौधों में कार्बन का स्थिरीकरण दो बार होता है। C3 पौधों में कार्बन का स्थिरीकरण एक बार हुआ था, C4 पौधों में कार्बन का स्थिरीकरण दो बार होता है। आगे वाली बात करेंगे, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस पाथवे 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सेलो एसिटिक एसिड देन कॉल C4 साइकिल। जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया कि इस प्रकार के पौधों में कार्बन के स्थिरीकरण के बाद बनने वाला प्रथम स्थायी उत्पाद कौन होता है। प्रथम स्थायी उत्पाद बच्चों होता है ऑक्सेलो एसिटिक एसिड, इसलिए इसे हम C4 प्लांट या ऐसे पौधों को C4 प्लांट और इस प्रकार कार्बन स्थिरीकरण होने की घटना को C4 पाथवे कहा जाता है। C4 प्लांट वेस्टफुल प्रोसेस कॉल फोटोरिस्पायरेशन। इस प्रकार के पौधों में एक अनावश्यक घटना फोटोरिस्पायरेशन नहीं होती है, जिसके कारण इस प्रकार के पौधे C3 पौधों की तुलना में अच्छे प्रकाश संश्लेषक होते हैं या अच्छे उत्पादक होते हैं। C4 प्लांट हैव वेस्टफुल प्रोसेस कॉल्ड फोटोरिस्पायरेशन, दस दे सो ग्रेटर प्रोडक्टिविटी एंड हायर यील्ड एज कंपेयर टू द C3 प्लांट। एक बार पुनः दोबारा बात को सुनेंगे। मैंने अभी आपको बोला कि C4 पौधों में क्या होता है, C4 पौधों में एक अनावश्यक प्रोसेस प्रकाशी श्वसन नहीं होता है, जिसके कारण इनमें कार्बन का स्थिरीकरण C3 पौधों की तुलना में अधिक होता है। और यही कारण है कि C3 पौधों की तुलना में C4 पौधे अच्छे गुड फोटोसिंथेसाइजर होते हैं और ज्यादा यील्ड यानी उत्पादकता देते हैं। एक बात और यहां पर बहुत खास, इस प्रकार के पौधों में क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है। इस प्रकार के पौधों में C4 प्लांट लीफ, C4 प्लांट लीफ हैव क्रेंज एनाटॉमी। अब बात यह आती है कि ये क्रेंज एनाटॉमी क्या होती है, इस बात को जरा ध्यान से समझेंगे। बेटा यहां पर जो क्रेंज शब्द का प्रयोग किया गया, यहां पर ये जो क्रेंज शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, ये इस क्रेंज का मतलब होता है, ये जर्मन भाषा का शब्द है। क्रेंज का मतलब होता है नेकलेस, क्रेंज का मतलब होता है माला। कौन सा माला, जो हम लोग गले में पहनते हैं। इस प्रकार से इस क्रेंज शब्द का मतलब होता है माला। अब बात ये करनी है कि ये क्रेंज एनाटॉमी होती किस प्रकार से है, इसका क्या मतलब है। क्योंकि एक फिगर आपके सामने बना हुआ है, यहां पर हमने लीफ की एनाटॉमी को बना रखा है। इसमें ये अपर इपिडर्मिस, ये लोअर इपिडर्मिस, दोनों तरफ आप देखेंगे ये क्या है, ये है अपर इपिडर्मिस और यहां पर इसे हम बोलेंगे लोअर इपिडर्मिस, ये लोअर इपिडर्मिस होगी। इसके बाद मेसोफिल सेल्स और ये वेस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम, ये जो आपको दिख रहे हैं यहां पर ये क्या है, ये जाइलम है और नीचे की तरफ ये जो दिख रहे हैं ये क्या है, फ्लोएम। इन वेस्कुलर बंडल के बाहर की तरफ ये काले रंग की जो रचनाएं आपको दिख रही, सेल्स जो दिख रही हैं, ये रचनाएं वेस्कुलर बंडल को इस प्रकार से चारों तरफ से घेरे रखती हैं, यानी एक माला की तरह इन पर इस प्रकार से पाई जाती है। इन्हीं कोशिकाओं का पाया जाना ही क्रेंज एनाटॉमी है।
क्लियर हुआ। वैस्कुलर बंडल यहां पर आप देखिए ये क्या है, ये है वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल का मतलब हो गया सम्मेहन ऊतक। तो वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ पाई जाने वाली कोशिकाएं ये कहलाती बंडल ऑफ सीथ सेल। बंडल ऑफ सीथ सेल क्या कहलाती बेटा, बंडल ऑफ सीथ सेल। इन बंडल ऑफ सीथ सेल्स का प्रेजेंस होना ही क्रेंज एनाटॉमी का स्पेसिफिक फीचर्स। अब जरा इनके बारे में ध्यान से सुने, आगे तभी मामला समझ में आएगा जब ये बात आप समझ पाओगे। जो बंडल ऑफ सीथ सेल्स हैं इनमें क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंस, लेकिन इनके क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना नहीं होते, ग्रेना अब्सेंट, ए ग्रेनल सेल्स हैं। क्लियर हुई पहली बात क्या बताई कि बंडल ऑफ सीथ सेल्स प्रेजेंस अराउंड द वैस्कुलर बंडल, सो इट इज कॉल्ड बंडल ऑफ सीथ सेल्स। इसलिए इनको हम बंडल ऑफ सीथ सेल कहते हैं क्योंकि ये वैस्कुलर बंडल के चारों ओर पाई जाती है। दूसरी बात, इनकी खास विशेषता क्या है कि इनमें क्लोरोप्लास्ट तो है, ज्यादा है, लेकिन इनके क्लोरोप्लास्ट में ग्रेनम नहीं है, थैलेकोइड्स नहीं है। तीसरी बात, ये कोशिकाएं थिक वॉल है, मोटी भित्ति वाली है और गैसों के लिए आदान प्रदान प्रदान नहीं करती है। थिक वॉल इंपरवियस टू गैसियस एक्सचेंज। नो इंटरसेलुलर स्पेस, यहां पर आप देख रहे हैं कहीं भी अंतराकोशिकीय स्थान नहीं है। तो दोबारा से पूरी बात को समझेंगे कि जितने भी सी फोर पौधे होते हैं उनमें खास बात है उनकी पत्तियों में। उनकी पत्तियों में खास बात क्या है कि उनकी पत्तियों में क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है। क्रेंज एनाटॉमी का क्या मतलब है कि उनके सम्मेहन ऊतकों के चारों तरफ कुछ विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। विशिष्ट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इनके लक्षण अन्य कोशिकाओं से अलग है। इनमें क्लोरोप्लास्ट कैसे है, इनमें क्लोरोप्लास्ट संख्या में अधिक है लेकिन ग्रेना नहीं है, मोटी भित्ति वाली है, गैसों के लिए पारगम्य नहीं है। क्लियर हुआ, इन कोशिकाओं में अंतराकोशिकीय स्थान नहीं पाए जाते। तो इस प्रकार जितने भी सी फोर पौधे हैं उनमें दो प्रकार की कोशिकाएं हैं, एक है कौन सी, मेसोफिल सेल्स, और दूसरी है बंडल ऑफ सीथ सेल्स। क्लियर हो गई बात, चले बात को आगे बढ़ाते हैं। अब सी फोर पौधों में अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्राइमरी रिसेप्टर कौन होता है, तो इन पौधों में प्राइमरी रिसेप्टर होता है पीईपी। जैसे वहां पर सी थ्री पौधों में हमने आपको बताया था कि प्राइमरी रिसेप्टर बेटा होता है आरयूबीपी, रेगुलोस बाइफॉस्फेट। ऐसे ही इन पौधों में कार्बन स्थिरीकरण के लिए जो सबसे पहला पदार्थ होता है वो पहला पदार्थ होता है पीईपी, फॉस्फेनॉल पाइरूविक अम्ल, फॉस्फेनॉल पाइरूविक अम्ल। और ये कहां पे है, इस बात पर विशेष ध्यान रखेंगे कि प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज पीईपी प्रेजेंट इन मेसोफिल सेल्स। कहां पे पाया जा रहा बेटा, ये पाया जा रहा है मेसोफिल सेल्स में, ये बात आपको ध्यान रखनी, राइट। दूसरा बात, The enzyme that catalyzes this CO2 fixation is PEP carboxylase or peptase. CO2 स्थिरीकरण में प्रयुक्त होने वाले एंजाइम का नाम क्या है, PEP carboxylase या peptase। जबकि C3 पौधों में जो एंजाइम था ये, उस एंजाइम का नाम था रुबिस्को। क्या नाम बताया था, रुबिस्को। C3 में रुबिस्को, C4 में पेपकेस। क्लियर हो गई बात। अब बेटा इसके बाद एक बात और यहां पर समझ के चलेंगे कि मेसोफिल सेल ऑफ C4 लैक एंजाइम रुबिस्को। जो मेसोफिल कोशिकाएं हैं, जो पर्ण मध्योदक कोशिकाएं हैं, उनमें रुबिस्को नहीं पाया जाता, जबकि C3 पौधों की मेसोफिल सेल्स में रुबिस्को प्रेजेंस था। तो क्या सर सी फोर पौधों में रुबिस्को नहीं होता, मैंने ये तो नहीं बोला, मैंने ये बोला है कि मेसोफिल सेल्स में नहीं होती, होता है, हाँ होता है, कहाँ होता है, तो बंडल ऑफ सी सेल्स में पाई जाती है।
बंडल ऑफ सी सेल्स रिच विद रोबेस्को बट नो पेपकिस। तो इसका मतलब ये था बेटा कि ये जो पौधे हैं, कौन से पौधे जो सी फोर पौधे हैं, इनमें रोबेस्को और पेपकिस दोनों पाए जाते हैं कार्बन के स्थिरीकरण के लिए, बस जगह अलग अलग है, जगह अलग अलग है। मीजोफिल सेल्स में पेपकेस होगा या पीईपी कार्बोक्सिलेज होगा, जबकि बंडल ऑफ सी सेल्स में पीईपी नहीं होगा, रोबेस्को होगा। फिर आगे वाली बात पुरानी वही बात जो पहले बताई हमने आपको, क्या कि कार्बन के स्थिरीकरण में, कार्बन के स्थिरीकरण के बाद पहला पदार्थ जो बनता है वो ऑक्सेलो एसिटिक एसिड बनता है, जो कि एक फोर कार्बन कंपाउंड है, और इस फोर कार्बन कंपाउंड की वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, सी फोर प्लांट्स कहते हैं ऐसे पौधों को जिनमें इस प्रकार से CO2 का फिक्शन होता है, और इस प्रकार CO2 फिक्शन के प्रकार को क्या बोला जाएगा, सी फोर पाथवे। क्लियर हो गया? तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से डबल फिक्शन होता है सी फोर पौधों में। चलिए अब देखिए, यहां पर आपको दो सेल दिखाई गई, ये आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर आ गए। पहली सेल जो ऊपर आपको दिख रही है ये बेटा मीजोफिल सेल है, ये है मीजोफिल सेल्स, और नीचे वाली सेल जो है ये है बंडल ऑफ सीड सेल्स। क्लियर हुआ? दोनों के बारे में एक विशेषता सुन ले। पहली बात कि मीजोफिल सेल्स में विद पेपकेस, इसमें पेपकेस पाया जाता है, इसी के कंपैरिजन में नीचे वाले की अगर बात करेंगे तो यहां पर विद रोबेस्को, इसमें रोबेस्को पाया जा रहा है, इसमें पेपकेस पाया जाता है, रोबेस्को नहीं होता है, यहां पर रोबेस्को होता है, पेपकेस नहीं होता है। दूसरी बात और ध्यान रख लो, क्लोरोप्लास्ट इसमें कैसे है, स्मॉल है, लेकिन विद ग्रेना, इसमें क्लोरोप्लास्ट तो होते हैं वो छोटे होते हैं, लेकिन इसमें ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। इधर की अगर बात करो तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो लार्ज है लेकिन ए ग्रेनल है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं सीधे सीधे। फिर अगर हम मीजोफिल की बात करें तो कैसे है, विद इंटरसेलुलर स्पेस, यहां पर अगर हम बात करें तो विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, अगर हम इसकी बात करें नीचे वाले की तो इंपरवियस नहीं, परवियस टू गैसेस, इंपरवियस टू गैस, इंपरवियस टू गैसेस। अब देखो चार क्वेश्चन इधर है और चार इधर है, और सारी चर्चा इसी पर आगे की तरफ बढ़ेगी। ये थिक वॉल है, ये थिन वॉल है। एक बात और यहां पर चल लेके चले, ये कैसे है, ये थिन वॉल है, पैरेन्काइमेटस सेल है, थिन वॉल है, और ये है थिक वॉल, ये है थिक वॉल। चलिए अब हम देखेंगे कि इनमें CO2 का फिक्शन किस प्रकार से होता है। ध्यान से देखिएगा बेटा, बहुत ही इजी लगेगा आपको। सबसे पहले बेटा क्या होता है कि CO2 एटमॉस्फेयर से स्टोमेटा के थ्रू
मीजोफिल सेल्स में प्रवेश करती है। ये CO2 ने यहां पर प्रवेश किया। यहां पर जो घुसने का स्थान है ये है स्टोमेटा। क्लियर हुआ? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के दौरान या श्वसन के दौरान कोई भी पौधा अगर गैसियस एक्सचेंज करता है तो गैसियस एक्सचेंज की दो ही साइट है, एक स्टोमेटा, दूसरे लैंड सेल्स। रंध्र या वातरंध्रों के द्वारा ही गैसेस पौधों के अंदर की कोशिकाओं तक पहुंचते हैं। क्लियर हो गई बात? अब यहां पहुंचने के बाद ये CO2 PEP के साथ रिएक्शन करता है, फॉस्फेनॉल पाइरूविक एसिड के साथ रिएक्शन करता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था आपसे कि फर्स्ट CO2 रिसेप्टर इन C4 प्लांट इज फॉस्फेनॉल पाइरूविक एसिड। ये रिएक्शन जो आप देख रहे हो, ये रिएक्शन एंजाइम पेपकेस की प्रेजेंस में पूरी होती है। किसकी? पेपकेस की प्रेजेंस में पूरी होती है। तो पहला स्टेप आप देख रहे हैं, कार्बोक्सिलेशन हो रहा है मीजोफिल सेल्स में, कि एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू मीजोफिल सेल्स में आती है और मीजोफिल सेल्स में प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर पहले से प्रेजेंस होता है, जिसे हम PEP या फॉस्फेनॉल पाइरूविक एसिड कहते हैं। यह रिएक्शन एंजाइम पेपकेस की प्रेजेंस में पूरी होती है या PEP कार्बोक्सिलेस की प्रेजेंस में पूरी होती है। अब इस रिएक्शन के बाद जो बनने वाला प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट बना OAA। ये पहला प्रोडक्ट बना OAA यानी ऑक्सेलो एसिटिक एसिड। राइट, क्या बना? ऑक्सेलो एसिटिक एसिड बना। मैंने अभी कहा था थोड़ी देर पहले कि इस प्रकार के पौधों में कार्बन स्थिरीकरण के बाद बनने वाला फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑक्सिलो एसिटिक एसिड होता है। ये 4 कार्बन कंपाउंड है। कौन? ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। इसलिए इन पौधों को हम C4 पौधे कहते हैं, अथवा इस प्रकार के CO2 फिक्शन को C4 पाथवे कहा जाता है। अब बेटा क्या हुआ कि ये जो ऑक्सिलो एसिटिक एसिड होता है, ये ऑक्सिलो एसिटिक एसिड एनएडी आयनों के साथ एनएडीपी आयनों के साथ रिएक्शन करता है ऐसे, और रिएक्शन करने के बाद बदल जाता है मैलिक एसिड में। किसमें बदल गया? मैलिक एसिड में बदल जाता है। राइट, एनएडीपी आयनों के साथ रिएक्शन करके ये मैलिक एसिड में बदल जाता है। और अब ये मैलिक एसिड यहां से चल करके इस तरीके से कहां आ गया? मैलिक एसिड यहां से चल करके बंडल ऑफ सीड सेल्स में आ गया। देखिए यहां पर मैलिक एसिड में बदलने का रीजन क्या था? क्योंकि बंडल ऑफ सी सेल्स जो थी वो गैसों के लिए इंपरवियस थी, कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट इन कोशिकाओं में नहीं आ सकता था। क्योंकि क्यों नहीं आ सकता था? क्योंकि ये गैसों के लिए इंपरवियस थी, लेकिन एसिड के लिए परवियस थी।
तो CO2 मैलिक एसिड के रूप में बंडल ऑफ सीट कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करता है। तो बेटा यहां पर भी हम लोग लिख देंगे मैलिक एसिड, ध्यान दीजिएगा। ये मैलिक एसिड यहां पे आ गया। अब ये बंडल ऑफ सील सेल के अंदर मैलिक एसिड आने के बाद फिर से थोड़ा सा यहां पर एक मिस्टेक हुई, दोबारा से देखेंगे जरा। यहां पर दोबारा से देखें, ये NADP2S था और NADPS टूट करके यहां पर बन रहा है NADPN और बनाता है मैलिक एसिड। अब सही है, मैलिक एसिड बनने के बाद बंडल ऑफ सी सेल्स में आ गया। अब ये जो NADPN थे, ये NADPN फिर से इसके साथ मर्ज हुए। इस प्रकार से ये इसके साथ मर्ज हुए और इसके अंदर आने के बाद अब मैलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। क्या हो रहा है बेटा? डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। इस डीकार्बोक्सिलेशन में खास बात आप देखेंगे, यहां पर खास बात क्या देखेंगे कि एक तो ये टूट गया, NADP2H, दूसरा ये CO2 और तीसरा बेटा ये टूटता है पाइरूविक एसिड इस तरीके से। एस दोबारा से ध्यान दें, बंडल ऑफ सी सेल्स में आया हुआ मैलिक अम्ल का यहां पर डीकार्बोक्सिलेशन होता है। क्या हो रहा है यहां पर? डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। डीकार्बोक्सिलेशन जहां भी लिखा होगा, इस डीकार्बोक्सिलेशन में हमेशा CO2 रिमूव होगी, कार्बोक्सिलेशन में CO2 ऐड होती है। अब देखिए क्या हो रहा है। अब इन बंडल ऑफ सी सेल्स में दोबारा से ध्यान दें, इन बंडल ऑफ सी सेल्स में फिर से C3 साइकिल चलती है, C3 साइकिल। तो NADP2H और CO2 इस प्रकार से C3 साइकिल चलाने के लिए इसके अंदर चले गए और C3 साइकिल के द्वारा बेटा यहां पर क्या बन रहा है? स्टार्च बन रहा है। आगे की बात मैं करूं, इससे पहले एक बात यहां पर फिर से बता दूं। मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि C4 पौधों में कार्बन का स्थिरीकरण दो बार होता है। एक बार कार्बन यहां पर फिक्स की गई मेसोफिल सेल्स में और दोबारा कार्बन फिक्स की गई बंडल ऑफ सीड सेल्स में। बात एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि ड्यूरिंग द C4 पाथवे CO2 फिक्शन इज डबल। C4 पौधों में अप्रकाशित अभिक्रिया के दौरान कार्बन का स्थिरीकरण दो बार होता है। प्रथम बार कार्बन को हम स्थिरीकृत करते हैं पर्णमध्योतक कोशिकाओं में और दूसरी बार हम करते हैं कहां? बंडल ऑफ सीड सेल्स में। स्टार्च कहां बना? स्टार्च कहां बना? स्टार्च बना कहां? बंडल ऑफ सीड सेल्स में।
इसीलिए इन कोशिकाओं में ग्रेना नहीं होता है, तो ग्रेनम की जरूरत ही नहीं इनको, ये लाइट रिएक्शन नहीं करती है। क्लोरोप्लास्ट है, केवल स्ट्रोमा है, और इसीलिए ये सेल्स केवल डार्क रिएक्शन करती हैं, लाइट रिएक्शन नहीं करती। अभी यहां पर लिखा हुआ था कि क्लोरोफिल स्मॉल विद ग्रेना, ये वाली सेल क्या करती है, लाइट रिएक्शन करती है, लेकिन डार्क रिएक्शन इनमें नहीं होता है। ये वाली सेल में क्या लिखा, क्लोरोप्लास्ट लार्ज ए ग्रेनर, तो इन सेल्स में क्या है, इन सेल्स में क्या है, क्लोरोप्लास्ट है तो स्ट्रोमा तो है, तभी तो ये C4 C3 साइकिल हो रही है। एक और कंफ्यूजन बच्चे को होता है कि जिन पौधों में इस प्रकार से कार्बन स्थिरीकरण होता है उनमें C4 और C3 दोनों साइकिल पाई जाती है। देखो यहां पर C3 साइकिल भी है, क्लियर हो गई बात। चलो अब बात आती है किसकी, अब बात आती है रीजनरेशन की। अब ये पायरूबिक अम्ल, ये पायरूबिक अम्ल फिर से एक बार, अब ये पायरूबिक अम्ल फिर से एक बार न्यूट्रोफिल सेल्स में अंदर इस प्रकार से प्रवेश करता है ऐसे, और प्रवेश करने के बाद यहां पर ये पायरूबिक एसिड के साथ ध्यान रखेंगे, यहां पर दो ATP इसमें जुड़ी और दो ADP को रिमूव करती है, क्लियर हो। साथ ही साथ यहां पर एक एंजाइम होता है PEP सिंथेटेस, क्या नाम बताया मैंने, PEP सिंथेटेस, और इस PEP सिंथेटेस एंजाइम की प्रेजेंस में, PEP सिंथेटेस एंजाइम की प्रेजेंस में दो अणु ATP के साथ रिएक्शन करने के बाद ये जो पायरूबिक एसिड होता है ये फास्फेनॉल पायरूबिक एसिड में बदल जाता है। याद करो रिएक्शन नंबर 9 ग्लाइकोलाइसिस की, वहां पर क्या हुआ था कि फास्फेनॉल पायरूबिक एसिड 2 ATP निकालने के बाद पायरूबिक एसिड में बदल रहा था, बात वही है। तो एक बार फिर से ये आप जो देख रहे हो कि पायरूबिक अम्ल, एक बार फिर से पायरूबिक अम्ल किसमें बदल गया, फास्फेनॉल पायरूबिक एसिड में PEP में बदल गया आगे की रिएक्शन को स्टार्ट करने के। जल्दी जल्दी रिकैप देखेंगे इसका एक बार। C4 पौधों में दो प्रकार की सेल्स हैं, पहले प्रकार की सेल्स को मेसोफिल सेल्स कहते हैं विद पेप्टेज, इनमें पेप्टेज एंजाइम पाया जाता है, क्लोरोफिल स्मॉल होते हैं और ग्रेना पाए जाते हैं, इनमें लाइट रिएक्शन भी होती है, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं, गैसों के लिए पारगम में होती है, और ये पतली भित्ति वाली पैरेन्काइमेटस कोशिकाएं होती हैं। बंडल ऑफ सी सेल्स, वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ माला की तरह प्रेजेंस कोशिकाएं हैं, मोटी भित्ति वाली हैं, गैसों के लिए इंपरवियस है, क्लोरोप्लास्ट बड़े हैं, इनमें ग्रेना नहीं पाए जाते हैं। चलिए मैकेनिज्म की बात करें तो रिएक्शन नंबर फर्स्ट हमारी जो है इसमें क्या होता है, इस एटमॉस्फेयर से CO2 स्ट्रोमेटा के थ्रू अंदर आया और PEP जो कि प्रथम कार्बन रिसेप्टर है इसके साथ पेप्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्रिया करके प्रथम उत्पाद ऑक्सलोएसिटिक एसिड बनाता है, और ये ऑक्सलोएसिटिक एसिड एक 4-कार्बन कंपाउंड है, एक 4-कार्बन कंपाउंड है, जिसकी वजह से इस प्रकार के पौधों को C4 पौधे और इस प्रकार के कार्बन स्थिरीकरण की घटना को हम क्या बोलता, C4 पाथवे। खोज किसने की, किसने की,
हैच और स्लेट। ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, अब रिएक्शन नंबर टू यहां पर देखेंगे, बना हुआ ऑक्सिलो एसिटिक एसिड लाइट रिएक्शन में बना हुआ NADP2H, यानी पहली रिएक्शन हमारी क्या थी, ये पहली रिएक्शन थी कार्बोक्सिलेशन, ये है कार्बोक्सिलेशन। दूसरी रिएक्शन अब हमारी क्या होगी, दूसरी रिएक्शन को हम कहते हैं, दूसरी रिएक्शन को हम कहते हैं रिडक्शन। क्या कहते हैं इसको, रिडक्शन। इस रिडक्शन में क्या हो रहा है कि लाइट रिएक्शन में बना हुआ रिडक्शन पावर NADP2H अब ऑक्सिलो एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करके मैलिक अम्ल में बदल जाता है और ये मैलिक एसिड अब बंडल ऑफ सीड सेल्स में प्रवेश करता है। राइट, प्रवेश करने के बाद इसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है और यहां पर NADP2H और CO2 ब्रेक होकर के C3 साइकिल की तरह यहां पर स्टार्च का निर्माण करते हैं। बना हुआ पाइरूविक अम्ल एक बार फिर से कहां चला गया, मेसोफिल सेल्स में गया, जहां पर ये 2 ATP के साथ PEP सिंथेटेस, या इसका एक नाम और याद आ रहा मेरे को, इसको कहते हैं कोल्ड सेंसिटिव एंजाइम, कोल्ड सेंसिटिव एंजाइम की प्रेजेंस में, कोल्ड सेंसिटिव एंजाइम्स की प्रेजेंस में फिर से PEP में बदल जाता है। तो बेटा इस प्रकार से ये मैकेनिज्म यहां पर कंप्लीट हुई। अब जैसे एक क्वेश्चन यहां पर ध्यान देंगे, एक क्वेश्चन यहां पर फोकस किया जाएगा और वो क्वेश्चन ये है कि C4 पौधों में, ध्यान से देखिएगा, C4 पौधों में एक CO2 को फिक्स करने में कितने ATP की रिक्वायरमेंट हुई, हाउ मैनी ATP required during the 1 mole CO2 fixation in C4 pathway. एक क्वेश्चन और ऐसा ही बार बार पूछा गया, हाउ मैनी ATP रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द 1 glucose formation in C4 plants. बताइए, आपके सामने अभी पढ़ाया गया, काउंट करिए कि एक CO2 को फिक्स करने में कितने ATP लगे। चलो हम ऑप्शन भी देते हैं आपको, पहला ऑप्शन हमारा है 3, दूसरा है 5, पहले वाले की बात कर रहा हूं मैं, 15, 30, चलो 15, 30 कुछ ज्यादा हो रहा है, 2। बताइए भाई आंसर बताइए, हाउ मैनी ATP रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द 1 mole CO2 फिक्सन इन C4 पाथवे। देखिए इसका आंसर बेटा जो है वो है 5। वन मोल CO2 जब, 1 mole CO2 जब आप फिक्स कर रहे थे तो इसमें क्या हुआ, C3 साइकिल भी चली और मेसोफिल में रीजनरेशन भी हुआ, यानी C4 भी चला, तो C3 में कितने एक्सपेंस हुए, 3,
सी फोर में कितने लगे? दो, तो टोटल कितने हुए? पांच। पांच एटीपी की जरूरत होती है एक सीओ टू को फिक्स करने के लिए। अब अगर हम बात करें कि एक ग्लूकोज को, तो ग्लूकोज की अगर बात करोगे तो ग्लूकोज कैसे? सी सिक्स एस ट्वेल्व ओ सिक्स, यानी एक ग्लूकोज में सिक्स कार्बन है, तो एक ग्लूकोज को फिक्स करने के लिए हमें छह बार साइकिल चलानी पड़ेगी, तो 5 × 6 = 30। सी फोर पौधों में एक ग्लूकोज को बनाने के लिए 30 एटीपी की जरूरत होगी, और अगर यही क्वेश्चन सी थ्री के लिए होता तो 18 एटीपी की जरूरत होती। वहां पर एक सीओ टू को फिक्स करने के लिए कितनी? 3 एटीपी की जरूरत होती है। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। एक बात और ध्यान दे कि जो सी फोर पौधे होते हैं, क्वेश्चन और पूछा गया, एक क्वेश्चन और पूछा गया, वैसे मैं एमसीक्यू में कराऊंगा लेकिन पहले यहां पर बात हो जाए, व्हाई सी फोर प्लांट टॉलरेट मोर सेलाइन कंडीशन। C3 प्लांट की तुलना में C4 पौधे अधिक सेलाइन कंडीशन के लिए क्यों अधिक टॉलरेट करते हैं, मतलब सहन शक्ति में अधिक क्यों होती है? बेटा अभी आपने देखा ना कि इसमें कई सारे ऑर्गेनिक एसिड बने थे, और उन ऑर्गेनिक एसिड के बनने के कारण इनमें अधिक सेलाइन कंडीशन को टॉलरेट करने की कैपेसिटी होती है, इसीलिए ज्यादातर राजस्थान में बाजरा बड़े पर्याप्त तरीके से होता है, और डाइकॉट प्लांट्स की जो क्रॉप्स होती हैं उनको प्रॉब्लम होती है, जबकि जो जो पौधे C4 प्लांट वाले होते हैं वो ज्यादातर यहाँ पर डेवलप होते हैं, बिकॉज दे टॉलरेट मोर सेलाइन कंडीशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, क्योंकि इनमें ऑर्गेनिक एसिड ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंस होता है। तो बच्चों इस प्रकार से आपका लाइट रिएक्शन के बाद डार्क रिएक्शन समाप्त हुआ। अब हम एक छोटा सा टॉपिक इसमें बचा है, फोटोरिस्पायरेशन और एफेक्टर्स यानी फोटोसिंथेटिक फैक्टर्स, दो क्लास इसमें और होगी फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, लेकिन इससे पहले अगली क्लास हमारी एमसीक्यू की होगी। फिर मिलते हैं, बाय बाय।